जो जय भवानी करके हमारे समाज को खंडित कर रहे हैं, हमारे समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी हम संदेश देंगे, उन लोगों को भी हम चेतावनी दे रहे हैं, बार बार भी चेतावनी दे रहे हैं कि संविधान को पढ़िए जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने बनाया है, आपके काम आएगा अगर आप संविधान की उन शर्तों और नियमों के अनुसार चलेंगे तो शायद कहीं आपको भी कुछ अच्छी सोच आ जाएगी। आस फाउंडेशन द्वारा आज गणतंत्र दिवस पर भारतीय संविधान निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को याद किया गया। यह कार्यक्रम पंचायत घर थुनाग के हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता आस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट एवं एविक्स परिवार के प्रदेश अध्यक्ष लीलाधर चौहान द्वारा की गई, जिसमें सिराज विधानसभा क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग ने भाग लिया। आप सभी को बता दें, आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसी दिन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 में बने संविधान को 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यह जानकारी देते हुए आस फाउंडेशन के चेयरमैन लीलाधर चौहान ने बताया कि भारत की इसी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। बता दें, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बनाने में पूरे 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हम सभी साथियों ने आज यहां अपने उपमंडल थुनाग में गणतंत्र दिवस पर एक आयोजन किया, जिसमें सभी साथियों ने प्रतिज्ञा ली है कि हम संविधान को फॉलो करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, संविधान के बारे में हर आदमी को जानकारी देंगे। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसमें भारत रत्न भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का अहम रोल था। आज अगर हम सभी भाई अगर इस दिन को मना रहे हैं तो ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की देन है। आज अगर हमको आजादी है, अगर आज हम आजादी की जिंदगी जी रहे हैं, तो वो भी डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की देन है। वो जमाना कभी हमें याद आता है जब हमें बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था, यहां तक कि इतना भेदभाव था कि हमारे मुंह पर जो है छिकड़ी लगाई जाती थी, हम थूक भी नहीं सकते थे और हमारे पीछे झाड़ू लगा होता था, हम जमीन पर जब चलते थे तो वो निशान नहीं रहने चाहिए, इतना प्रतिबंध था। आज हम शत शत नमन करते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का, जिनकी वजह से आज हम ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम 14 अप्रैल को भी धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को पैदा हुए थे।
इसलिए हम उनके जन्म को 14 अप्रैल के दिन ही मनाते हैं। भविष्य में हम 14 अप्रैल की तैयारियां कर रहे हैं और हम सभी साथियों ने मिलकर के फैसला लिया है कि जो गरीब लोग अगर किसी कारण से बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं उनको हम जानकारी देंगे, हर घर में जानकारी देंगे और उन लोगों को भी संदेश देंगे जो जय भवानी करके हमारे समाज को खंडित कर रहे हैं, हमारे समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को भी हम संदेश देंगे, उन लोगों को भी हम चेतावनी दे रहे हैं, बार बार भी चेतावनी दे रहे हैं कि संविधान को पढ़िए जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने बनाया है, उस संविधान को पढ़िए, आपके काम आएगा अगर आप संविधान की उन शर्तों और नियमों के अनुसार चलेंगे तो शायद कहीं आपको भी कुछ अच्छी सोच आ जाएगी। अगर आप लोग यूं ही भड़के रहेंगे और दबे कुचले लोगों को परेशान करते रहेंगे तो संविधान की ताकत जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने हमको दी है वो ताकत आपको देखने को मिलेगी। सभी मिलकर एक नारा लगाएंगे, संविधान निर्माता अमर रहे, संविधान निर्माता अमर रहे। बोलो जय जय भीम जय भीम। इसी के साथ मैं अपने सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि ये हमारे सराज के ऐसे साथी हैं जो जागरूक हैं और इन जागरूक साथियों की वजह से समाज में परिवर्तन होने की उम्मीद है, ऐसा मैं मानता हूं। और भविष्य में हम इसी तरह के कार्यक्रम किया करेंगे, जहां भी संभव होगा हम इन कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास करेंगे।